नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जूम एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण काफ़ी जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, स्कूल कॉलेज, काफ़ी इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सभी क्लोज हो चुके हैं क्योंकि कोविड-19 की जो डिजीज़ है काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है और स्प्रेड आउट काफ़ी फास्ट होता है इसका, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, जितने भी कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, सभी लोग, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, घर बैठ करके मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, जूम एप्लीकेशन के जरिए सबकी स्टडी चल रही है, ठीक है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जूम मीटिंग को कैसे ज्वाइन करें, जो भी आपके क्लास के टीचर्स आपको जूम मीटिंग देते हैं वो कैसे ज्वाइन करें, और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कॉरपोरेट सेक्टर्स, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, आप जूम मीटिंग के साथ अपने जो बॉस है, कंपनीज़ का जो काम है, वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं जूम एप्लीकेशन के द्वारा। और जितने भी नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं, अभी ऑफलाइन मीटिंग कोई भी नहीं हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। जितने भी मीटिंग्स हो रही है वो ऑनलाइन हो रही हैं और ये एक नया कल्चर है, इसके साथ हम सभी को आदत डालनी है अभी, ठीक है। क्योंकि ये जो कोविड-19 है इसको जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक जो लोग घर बैठे हुए हैं कि कोविड-19 ख़त्म होगा उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप सभी लोग जूम एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, अपनी जो मीटिंग्स हैं घर बैठ करके जूम मीटिंग्स लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जूम एप्लीकेशंस काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है और जूम एप्लीकेशन के ज़रिए आप जो अपनी कंपनी का प्लान है वो दे सकते हैं दूसरे लीडर्स को, अपनी टीम की प्लानिंग कर सकते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जूम मीटिंग्स कैसे ज्वाइन करें ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और जो हमारे चैनल पे नए यूज़र्स हैं तो वो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जूम एप्लीकेशन से रिलेटेड मिलती रही। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहाँ पर आपको जूम क्लाउड मीटिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। जैसा कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जूम क्लाउड मीटिंग की जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद आप मीटिंग कैसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर आपने जूम एप्लीकेशन में आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो विदाउट आईडी रजिस्ट्रेशन आप जूम मीटिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास जूम मीटिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड मैसेंजर के द्वारा, फेसबुक मैसेंजर के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिल गया होगा, तो उस पे जाकर के आप जूम मीटिंग आईडीज़, पासवर्ड्स आप चेक कीजिए और फिर जूम मीटिंग को कैसे ज्वाइन करते हैं तो इस वीडियो में आप देखिए। तो जैसा कि ये जूम क्लाउड मीटिंग की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है हमारे मोबाइल में और ये अपडेशन इसका चल रहा है, तो फिर मैं इसको ओपन करके आपको बताऊंगा कि जूम की मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कैसे कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स को और जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हो। अभी इस ओपन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जैसे ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपको मीटिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरीके की जो ये विंडो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन ए मीटिंग, अगर आपने जूम एप्लीकेशन के अंदर अपना आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि जूम मीटिंग कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन ए मीटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसा कि ब्लू कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइन ए मीटिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग आईडी मांगेगा और मीटिंग आईडी के लिए आपको मीटिंग आईडी आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं, जैसा कि ये मीटिंग आईडी आई हुई है मेरे फ्रेंड्स की, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग आईडी और पासवर्ड आया है और ये 40 मिनट का सेशन है, एक सेशन फ्री सेशन जूम एप्लीकेशन से आप 40 मिनट का कर सकते हो, मैक्सिमम 100 पीपल्स। तो मीटिंग आईडी देख रहे हैं आप, इस पर मैं ये इसमें पुटअप करूँगा और पासवर्ड इसका मैं इसमें डालूँगा, तो देखिए आप, ठीक है। मीटिंग आईडी, मीटिंग आईडी में इसका आईडी नंबर है 7569666028137 5666028 13। तो ये आपको डालना है, ज्वाइन ए मीटिंग के ऊपर अभी क्लिक करना है, पासवर्ड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डालना है आपको, ठीक है। तो ज्वाइन मीटिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जैसे मैं ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करूँगा उसके बाद ये आपसे मांगेगा प्लीज़ एंटर योर मीटिंग पासवर्ड। तो मीटिंग पासवर्ड जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था फेसबुक मैसेंजर की स्क्रीन पे, वो एंटर करना है यहाँ पे आपको। मैं एंटर कर रहा हूँ अभी 8PH,
कैपिटल लेटर में पी, कैपिटल लेटर में एच, फिर वाई डब्लू के स्मॉल लेटर में, वाई डब्लू के कैपिटल लेटर में, ओके। जैसे मैं ओके करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं जूम मीटिंग ज्वाइन कर चुका हूँगा, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रीन देखना आप, यहाँ पे हम जूम मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन का जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। प्लीज़ वेट, द मीटिंग होस्ट विल लेट यू सून। तो अभी आपको वेट करना है, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका एडमिन, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, तभी यहाँ पे आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो आपको वेट करना है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। प्लीज़ वेट, द मीटिंग होस्ट विल लेट यू सून, ओके। टी डब्ल्यू होस्ट जूम मीटिंग। तो मैं अपने लैपटॉप के ऊपर एडमिट कर रहा हूँ इसको, एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट को। तो ये एक्सेप्ट होते ही इस प्रकार की स्क्रीन आपके मोबाइल पे चलेगी, ओके। देखिए आप यहाँ पे आप मीटिंग ज्वाइन कर चुके हो, ओके। अगर आपको अपना वीडियो स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे जो देख रहे हैं कॉल इन डिवाइस ऑडियो, तो लेफ्ट में ज्वाइन ऑडियो, तो ज्वाइन ऑडियो का जो ग्रीन कलर का बटन है नीचे आप देख रहे हैं, वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है वो। स्टार्ट वीडियो करना है, जैसे मैं स्टार्ट वीडियो, मैंने अभी वीडियो ऑफ कर रखा है, अभी ये रेड कलर का है तो ऑफ है, अभी मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो ऑन करूँगा तो मेरा वीडियो ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड कॉर्नर में नीचे, ठीक है। तो अभी मैं उंगली कैमरे के ऊपर मैंने उंगली लगा रखी है, तो इसलिए मेरी फ़ोटो आएगी नहीं यहाँ पे, ओके। जब मेरे को वीडियो ऑफ करना है तो स्टॉप वीडियो, ये स्टॉप वीडियो कर देंगे, ठीक है। अब ज्वाइन ऑडियो में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरे को मीटिंग की जो ऑडियो है वो सुनाई देगी। अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियोज, अलाउ करना है यहाँ पे, ओके। अब आपको जूम जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई देगी, ओके। जब आपको बोला जाए कि आपको अगर बात करनी है जूम मीटिंग के अपने बॉस से, या जो अपने टीम लीडर हैं या टीचर से किसी से बात करनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अनम्यूट पे क्लिक करेंगे, तब आपकी जो आवाज़ है वापस आएगी, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्ट होकर के आवाज़ आ रही है, तो टीम में तो आपको ये बोला जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड वॉइस ना आए, आप अपने स्पीकर को अनम्यूट कर दीजिए। जब भी मीटिंग स्टार्ट हो तो आप अपना प्रोफाइल पिक लगाइए, और वीडियो स्टार्ट करना तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर जाएगी, ओके। और अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, ताकि आपके बैकग्राउंड की आवाज़ मीटिंग के जो होस्ट है वहाँ तक ना जाए, और सब की सब जो मीटिंग है, पूरी मीटिंग चल रही है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट, जो नीचे तीन बिंदु दिख रहे हैं इस पर राइट और लेफ्ट करते रहिए, जितने भी लोग होंगे मीटिंग्स में वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाली जो स्क्रीन है वीवो 1713 लिखा, उस पर क्लिक करोगे आप, अगर आपको बात करनी है होस्ट से, तो ये अनम्यूट रेड कलर का जो नीचे है, आपको बोला जाएगा कि आप अपना स्पीकर फोन ऑन कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ सुन सके। अगर वीडियो स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लाइव वीडियो आपका चला जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे अपना उंगली लगा रखी कैमरे के ऊपर, ओके। तो अभी मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, तो आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो लगी होगी, तो वो यहाँ पे दिखाई देगी बिल्कुल क्लियरली, ओके। तो इस प्रकार से आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और शेयर, स्क्रीन शेयर कैसे करनी है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जूम मीटिंग कैसे ज्वाइन करते हैं ओनली, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोफाइल पिक और नाम कैसे सेट करते हैं। जैसे नीचे प्रोफाइल पिक है, ये सेट कर रखी है, और नाम, तो आपको अपना नाम और प्रोफाइल पिक यहाँ पे सेट करनी है दोस्तों, ओके। और मीटिंग को बंद करना है तो लीव पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैं राइट टॉप कॉर्नर पे लीव पे क्लिक करूँगा तो मैं मीटिंग से आउट हो जाता हूँ, यहाँ पे लीव मीटिंग, ठीक है, रेड कलर में आगे लीव मीटिंग, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये क्लोज कर दी, सेम मैं उसी स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अभी आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ये शेयर कीजिए, ताकि वो लोग कोई भी जूम मीटिंग हो उसको कैसे ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार का जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो कीजिए आप। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हो या नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट हो, तो आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।